हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ में हम उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं तो आप उन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं उनके लिए बिल्कुल अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल गाइडेंस के साथ में आपको हर चीज़ यहाँ पे बताई जाती है तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें बिकॉज़ वी नीड योर सपोर्ट नाउ बात करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में तो बेसिकली हमने प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोज़ को अरेंज कर रखा है एम एस सी एंड बी एस सी से रिलेटेड मास्टर्स एंड बैचलर्स में जो भी टॉपिक्स यूज होते हैं हम उन सबको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सो so बेसिकली यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के ही इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पर मैं मानता हूँ और वो होता है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशेंट कॉन्स्टेंट कोफिशियंट का एक अलग फॉर्मेट होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैथर्ड्स होते हैं तो सबसे पहले तो समझना होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप हम लाइक like, इसका जो जनरल फॉर्म होता है उसको हम कैसे देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होता है बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हम उन सबको लाइक विद इन थ्री टू फोर वीडियोज में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि वन बाई वन आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशियंट का जो टॉपिक है बेसिकली ये कांस्टेंट कोफिशियन का क्या मतलब होता है क्योंकि हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन द डेरिवेटिव टर्म्स एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है अब अगर उसमें कुछ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स भी एड हो जाते हैं उस डेरीवेटिव टर्म्स के साथ में या फिर जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस डिपेंडेंट टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म के साथ में अगर कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसको हम कॉन्स्टेंट कोफिशियंट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं

वेट जस्ट अट ओके ना दिस पार्ट लाइक रेफ्ट एंड सैड ओकेफ्ट एंड साइड पार्ट इज नोन एज होमोजीनियस पार्ट दिस इज होमोजीनियस पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज नॉन होमोजीनियस पार्ट नॉन होमोजीनियस पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन बाय वन पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते हुए चलेंगे आगे ठीक है अब क्या होता है कि ये जो नॉन पार्ट होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि हर बार ये आपको गिवन होता है इट ये जीरो सो फर्स्टली वी विल डिस्कस ओनली फॉर दिस पार्ट ओके नाउ अब दिस सोल्यूशन होते हैं वो कैसे आते हैं उसके बट उससे पहले बता देता हूं यहां पर एरो आर दी कॉन्स्टेंट्स ठीक है ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं और ये इनके कोफिशियंट्स होते हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट कोफिशियंट कहते हैं ओके नाउ लेट्स दिस इज द होमोजीनियस पार्ट एंड देर वी विल बी अ सॉल्यूशन लाइक देर विल बी टू सॉल्यूशन विच लाइक कंबाइंड टू इच अदर एंड मेक दिनरल सॉल्यूशन सो दॉल्यूशंस आई एम टॉकिंग अबाउट दॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन this ordinary differential equation which is uh, nothing but constant coefficient differential equation uh, general solution i am talking about uh, general solution so general solution is nothing but uh, solution of homogeneous part and solution of non homogeneous part just addition of these both okay so solution of uh, homogeneous part i am writing this abbreviation here homo only homogeneous part plus just मैथमेटिकल एडिशन सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस पार्ट ओके होमोजीनियस पार्ट एंड नॉन होमोजीनियस पार्ट को आप ऐड कर लेंगे देन यू विल गेट जनरल सॉल्यूशन, ओके नाउ अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैथमेटिकली हम इसको क्या कहेंगे उसके लिए वर्ड्स होते हैं तो इसके जो सोल्यूशन होता है इसका पर्टिकुलर नेम जो होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन okay complementary function and uh, shortly we will uh, call it uh, cf okay now this part is known as particular integral particular integral and we will call it pi so if i am talking about the general solution for this differential equation is nothing but cf plus pi okay this is the concept Now, जब भी आपको ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिले हमको क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड का अलग सोल्यूशन निकालना इसका निकाला. One one we'll है अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हाउ कैन वी सॉल्व द होमोजीनियस पार्ट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और हाउ कैन वी फाइंड द पर्टिकुलर सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ सो बेसिकली

लाइक पर्टिकुलर कंडीशन आपको पता चलेगा कि किस टाइप पे कौन सा फाइंड करना है तो उसके लिए मैं बात करता हूं कि अगर आपके पास में इफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो दिस विल बी द केस ओके क्यू ऑफ एक्स जीरो इट मीन्स नॉन होमोजीनियस पार्ट नॉन होमोजीनियस पार्ट जीरो नो नॉन होमोजीनियस पार्ट so not required this solution the solution will be 0 so cf plus pi it means the general solution is only complementary function and if qx not equals to 0 so in that case the general solution is equals to cf plus pi we will have to uh, like uh, we will have to find the both the solutions okay now particularly in this video we will discuss only this case

with constant coefficient. I am just taking an example uh, of second order. So just taking the example of second order. Let's, uh, let us consider AY double dash plus BY dash plus CY is equals to 0 is a differential equation with constant coefficient with constant coefficient okay now where a b c are all the constants so and like we can observe uh, like uh, this differential equation ordinary differential equation contain only the homogeneous part scan the only homogeneous part hai? so the जनरल सोल्यूशन इज ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड वन मोर फैक्ट इज देयर अगर आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है सिर्फ तो उस केस के अंदर जितने भी कॉन्स्टेंट होंगे या फिर अगर आपके पास में पर्टिकुलर इंटीरियर भी होता है या फिर मैं अगर जनरल सोल्यूशन की बात करता हूं वी नो दैट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का है देर विल बी टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट क्योंकि जनरल सोल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन होता है कि अगर आपके पास में ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में या फिर एक उसका ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एन नंबर ऑफ कंटेन करता हो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहां पर दो कॉन्स्टेंट होंगे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स और वो दोनों के दोनों आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कौन कंटेन करेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंटेन करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है इट कंटेन्स इट कंटेन्स ऑल दी आर्बिट्री सॉरी ऑल दी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स एंड पर्टिकुलर इंटीरियल डज नॉट कंटेन डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट पर्टिकुलर इंटीरियल में कभी कोई कॉन्स्टेंट नहीं होता ये चीज हमेशा ध्यान रखना कांस्टेंट कहां होंगे इसके अंदर होंगे इट मींस दो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे दोनों दोनों के कांस्टेंट दोनो इसके अंदर होंगे ना अब हमें बात करना है इसके सॉल्यूशन के बारे में सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम इसका ओके नाउ लेट सी लेट सॉल्यूशन में कंसिडर कर रहा हूं कि वाई बी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ओके A y जो है अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बिकॉज ऑफ दैट इज इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच डिपेंड ऑन द x ओके okay, y डबल डैश इज नथिंग बट d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड वाई डैश इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ओके नो प्रॉब्लम नाउ I'm just considering a function like a monotonically increasing function, okay. Because of that, uh, this type of differential equation make the uh, like uh, quadratic curve, okay. Quadratic equation जो बनते हैं उससे quadratic curve बनता है quadratic curve के roots जो हैं मिलते हैं उससे क्या होता है basically एक monotonic function आपको मिलता है तो इस type की particularly differential equation जो होती है इनको एक अगर मैं इसका ट्रेजेक्ट्री बनाता हूं यानी कि बेसिकली हम इसको अगर ट्रेस करते हैं थोड़ा जियोमेट्री बेस पर आपको समझाना चाहूंगा तो क्वाड्रेटिक की जब बात होती है तो वहां पे हम जनरली ई टू x, बेसिकली इस टाइप का जो कर्व बनता है ई टू पावर एक्स का पॉजिटिव ई टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग यू नो दिस इज मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग

अब जब ये इसका सॉल्यूशन है तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन आई एम जस्ट फाइंडिंग वाई डैस इज इज नावर एम एक्स एंड डबल टू स्क् पावर एम एक्स वी हैव ऑल लाइक वाई डबल डैस वाई डैस एंड वाई पुट इन दिस इक्वेशन नंबर वन सो पुट दिस ऑल टर्म्स पुट इन इक्वेशन नंबर वन अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करूंगा सो वी विल गेट एम स्क्वा टू दावर एम एक्स प्लस एम ए टू दावर एम एक्स ओके ना हेयर कॉन्स्टेंट्स दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस विल बी सी इज इक्वल टू जीरो नाउ वी हैव दिस इक्वेशन वी कैन टेक कॉमन हेयर ई टू दावर एम एक्स ओके टू दावर एम एक्स कॉमन सो इट विल बी ए एम स्क्वायर प्लस बी एम plus c is equals to 0 here mx not equals to 0 this is a monotonically increasing function this will never be zero so that this is not equals to 0 it means this part will be zero so therefore uh, this implies that a power m square plus bm plus c is equals to 0 we will get a quadratic equation okay uh, the quadratic equation have root two roots okay now we will discuss the nature of roots and basically we are going to find the value of m okay we'll get m once then uh, depending on the number of roots or nature of roots we will find the different types of solution and the linearly um, the, like linear combination of that uh, different like the, that uh, functions ज नथिंग बट द सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो ऑलवेज जो होता है उसके फंक्शन का लिनियर कॉम्बिनेशन ही उसका सोल्यूशन होता है और वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से अगर आप उसका रॉन्सकियन फाइंड करते हैं बेसिकली आई विल लेटर कम ऑन द रॉन्सकियन रॉन्सकियन जब फाइंड करेंगे तो वो आइडेंटिकली जीरो नहीं होगा कभी भीवर लाइक बी जीरो ओके अगर वो जीरो जाता है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं होता उसका अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वी आर क्लेमिंग दैट दिस इज अ सॉल्यूशन दैट शुड बी द बीन नेवर बी जीरो फॉर दैट डिफरेंशियल फॉर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन सो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कहते हैं वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो हम यहां बनाने जा रहे हैं ओके नाउ दिस इज द क्वालिटिक इक्वेशन एंड हमेशा इस क्वालिटिक इक्वेशन को हमें फाइंड करना होगा बट uh, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतना सब कुछ नहीं करेंगे क्या करेंगे जस्ट जो हमारा यहां पर डी बाई डी एक्स होता है उसको हम एम से रिप्लेस कर देंगे एंड डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर जो होता है उसको हम एम स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे इट मीनस दैट वी कैन राइट एज ऑपरेटर लाइक दिस डी बाई एक्स वी कैन एब्रीविएट बाई डी एंड डी टू बाई डी एक्स कैन एब्रीविएट बाई डी टू इट मीन विल रिप्लेस डी विद एम

ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है इससे जो बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन हिंदी में इसको सहायक समीकरण कहते हैं, मतलब ये हेल्प्स इट हेल्प्स टू फाइंड सॉल्यूशन ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण हिंदी में थोड़ा अच्छा क्लेरिफाइड इसका नाम है सो ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स वो उसका हेल्प कर रही है सॉल्व करने में कैसे हेल्प कर रही है बाय यूजिंग दिस अब इसमें लीनियर एल्ज्रा का बहुत बड़ा रोल होता है बेसिकली जब भी हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस टाइप का एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब भी मिलता है तो उस केस के अंदर हमें आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन देखने को मिलता है तो दिस इज नथिंग बट लाइक समथिंग लाइक दैट आइगन फंक्शन कॉन्सेप्ट ओके तो हम इतना आगे तक नहीं जाएंगे बट हाँ दिस इज मोर देन सफिशियंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वॉट इज द सी एफ ओके मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूं चीजों को कैसे ये बना है ठीक है लाइक like, ठीक uh, uh, है ये तो आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा अगर आप uh, पहले अगर सेकेंड टाइम या वापस अगर डिफिने पढ़ रहे हैं बट आई जस्ट वॉन्ट टू कंफर्ट लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर दैट व्हाट इज द थिंग एयर व्हाट इज द लाइक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट लाइक सो मेनी ट्रिक्स सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ओके ना आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में अब हमने इतना सब कुछ फाइंड कर लिया है और हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाले सोल्यूशन यानी कि होमोजीनियस पार्ट का जो सोल्यूशन है उसके बारे में ये जो क्वालिटिक इक्वेशन हमें मिल रहा है ए एम स्क्वाज इक्वल टू जीरो दिस है टू रूट्स ओके देर आर टू रूट्स देर आर टू रूट्स फॉर दिस इक्वेशन नाउ लेट ले वन एंड लैमडा टू आर टू रूट्स ये दोनों रूट्स हैं ओके नाउ देर विल बी कंडीशंस फर्स्ट केस व्हाट विल बी द फर्स्ट केस लैमडा वन नॉट इक्वल्स टू लैमडा टू इट मींस वी कैन से दिस इज डिस्टिंक्ट ओके दिस इज डिस्टिंक्ट और वी कैन से डिफरेंट Okay, second thing this is real and okay, real or positive, negative, whatever will be them. So, first thing is these are not same. Okay, no problem. Now, if these are the roots, then I can write m minus lambda 1 and m minus lambda 2 is equals to 0. Factorization we can do factor and we will get this equation by using this okay this is the prime factorization like uh, not prime factorization sorry uh, like factor of these um, quality equation okay we can write it means we will just replace m by d by dx okay and uh, we will multiply y both side so this will be the d by dx minus lambda 1 okay एंड वी विल मल्टीप्लाई बाई वाई बोथ साइड और वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे सो एक वाई यहाँ आ जाएगा एक वाई यहाँ आ जाएगा ओके सो दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस लैमडा वन एंड दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस लैमडा टू इज इक्वल्स टू जीरो अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमें किसी एक को कांस्टेंट लेट करना होगा ऑफ कोर्स, अगर ये सॉल्यूशन है तो ये जीरो होगा। ये सॉल्यूशन है तो ये जीरो होगा सो लेट अस कंसीडर, लेट डी वाई बाई डी एक्स माइनस लैमडा वन इज इक्वल टू यू आई एम कंसिडरिंग दिस इज यू जस्ट सो बेसिकली दिस विल बी लाइक दिस इक्वेशन विल बी यू इंटू डी वाई बाई डीएक्स माइनस लेमडा टू इज इक्वल टू जीरो वेट इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई ओनली वाई हियर ओके नाउके जस्ट वाई से मल्टीप्लाई करें उस वाई को यहां ले आए इसको आप कंसिडर कर लें यू इसको आप ऐसे ही एज इट इज रहने दें ओके या गेटिंग वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करना ओनली वाई से मल्टीप्लाई करना तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा डी यू बाई डीएक्स माइनस टू यू इज इक्वल्स टू जीरो ओके? एंड वी कैन सॉल्व दिस लाइक डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा टू यू जस्ट सेपरेट दैमडा टू डीएक्स एंड वी विल गेट ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड भी इंटीग्रेशन करो इस तरफ भी इंटीग्रेशन करो वी विल गेट लॉग ऑफ यू इज इक्वल्स टू लैमडा टू एक्स प्लस सी आई कैन राइट सी वन दिस इज सी वन ओके ना हो अब अगर मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूँ यू इज इक्वल सी वन सो यू इज इक्वल टू ई टू दावर लैमडा टू एक्स इन टू ई टू दी वन दिस इज जस्ट कॉन्स्टेंट और आई कैन राइट ओनली सी सो

minus lambda 1 is equals to C2 e to the power lambda 2x. Okay, this is again a linear differential equation. This is a linear differential equation and we can solve this linear differential equation. How can we solve this linear differential equation? By using the integrating factor we can solve this differential equation by using integrating factor okay so by using integrating factor what will be integrating factor here this term or we can solve by uh, like this is not um, wait just a minute if i am multiplying y here so y should be here y should be here y should be here Okay, now this is the perfect form of the linear differential equation. Sorry for that, there is a mistake. If I am multiplying uh, y here, so this will distribute over this term and this term also. Then integrating term will be e to the power, like uh, y e to the power minus lambda. Okay, dy by dx minus lambda 1 y. Is equals to c1 e to the power lambda 2x we can solve this we'll get integrating factor is equals to e to the power minus lambda 1x and solution is nothing but y into integrating factor this is the integrating factor is equals to integration of right hand side c2 e to the power lambda 2x into integrating factor minus lambda 1 x dx plus I can write this is c or like c dash we can write so y into e to the power minus lambda 1 x is equals to this is c2 e to the power uh, lambda 2 minus lambda 1 into x dx plus c we can integrate this term okay oh I can erase this okay now the solution will be y is equals to this is c dash e to the power or oh, sorry y dash into e to the power minus lambda 1 x is equals to c2 and the integration for this term will be e to the power lambda 2 minus lambda 1 x upon lambda 2 minus lambda 1 dx and not dx plus c dash एंड दिस विल बी द इसको हम उधर भेज देंगे तो सी टू ओवर लैमडा टू माइनस लैमडाट ओके एंड ये क्या हो जाएगा ए टू दावर लैमडा टू एक्स इंटू ए टू दावर माइनस लैमडा वन एक्स और ये इधर आएगा तो ए टू दावर लैमडा वन एक्स प्लस सी डैस ए टू दावर लैमडा वन एक्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ओके okay.

हमने स्टार्ट किसके लिए किया था डिफरेंशियल इक्वेशन अब डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए डबल डैश प्लस बी डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके सो हमने स्टार्ट किसके लिए किया था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या था और जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो दो उसके अंदर कांस्टेंट कोफिशेंट होंगे और वो दोनों के दोनों आर्बिट्री नॉट कांस्टेंट सॉरी कांस्टेंट्स दोनों कांस्टेंट इस पार्ट में ही कंटेन हो रहे हैं इफ यू आर गोइंग टू फाइंड फाइन पर्टिकुलर इंटीग्रल बट राइट हैंड साइड जीरो और जब राइट हैंड साइड जीरो होता है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं फाइंड करते है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिंपल ये हो जाएगा क्या हो जाएगा द सॉल्यूशन फॉर दिस

टू इक्वल हो जाए इट मीन लेमडा वन इक्वल्स टू लेमडा टू आई कैन राइट इट इज ओनली लेमडा नो प्रॉब्लम तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल बट स्टिल इट इज रियल इक्वल है रियल है ओके okay. तो यहां से लेमडा वन लेमडा वन हट जाएगा यहां से वन हट जाएगा यहाँ से वन हट जाएगा ठीक है ये वन नहीं रहेगा अब दोनों सेम है स्क्वायर है दोनों सेम है नो no प्रॉब्लम हम उसको अलग अलग करके लिखेंगे यहां से वन हट जाएगा एक में से हमने इसको लेट कर लिया बस जस्ट कंसिडर क्या करना दोनों अलग अलग चीजें जहां जहां लेमडा टू सारी चीजें हट जाएगी ठीक है ये भी हट जाएगा ओके तो इस टाइप से हमें क्या मिल जाएगा सेम सोलूशन तो यहां पर ये यह क्या हो जाएगा यू इज इक्वल टू सी टू टू दावर लेमडा एक्स फिर क्या होगा ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जब हम यहां पर u का वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर सो वी कैन राइट पुट इन इक्वेशन नंबर वेट इक्वेशन नंबर टू पुट इन इक्वेशन नंबर टू तो हमने क्या किया इक्वेशन नंबर में पुट कर दिया तो लैमडा वन लेमडा टू सबको हटा देंगे यहां से आपके पास में आ जाएगा लैमडा वन टू सारे हट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो इट मींस यहां पर आते ही क्या हो जाएगा ये नॉट जीरो सॉरी फॉर दैट आई एम टेलिंग जीरो वन तो ये वन हो जाएगा दिस विल बी वन ओके सो यहां से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दिस विल बी एक्स प्लस सी डे एंड नेक्स्ट इंटीग्रेशन विल बी यहां से टर्म्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ये वन हट जाएगा यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जस्ट ये हो जाएगा ठीक है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो आ गया y इज इक्वल टू सी टू एक्स इ टू दी लेमडा एक्स

तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं इसका जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं ओके okay. तो इस टाइप से हम क्या कर देंगे इसका जो सोल्यूशन है वो हम फाइंड कर देंगे ओके okay. तो इससे क्या पता चला अगर हमारे पास में दो रूट्स हैं तो हम उसको ऐसे लिखेंगे और बात किसकी हो रही है रियल रूट की हो रही है कॉम्प्लेक्स की, की बात नहीं हो रही पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं है बात हो रही है रियल रूट की ओके okay. नाउ अब यहां पे मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं उसके बारे में थोड़ा गौर करते हैं तो ये तो हो गया सॉल्यूशन कैसे फाइंड हो गया अब हम यहां पर थोड़ा इसको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं देखो थ्योरी तो हमने पढ़ लिया बट अल्टीमेटली वी नाउ क्या पढ़ा हमने लेमडा वन नॉट इक्वल्स टू लेमडा टू ओनली टू रूट्स हैं कितने रूट्स हैं दो रूट्स हैं तो ये क्या हो जाएगा

अब के लिए बात कर रहा हूं कब जब वन इज इक्वल टू कितने चलो पहले मैं दो के लिए बात कर लेता हूं ये दोनों इक्वल है किसी के लिए तो वो क्या हो जाएगा सी वन प्लस सी टू इन टू एक्स पहले टर्म में वन आएगा दूसरे में एक्स आएगा और ए टू लेमडा एक्स आ जाएगा अगर तीन हो गए लेमडा वन इक्वल टू लेमडा टू इक्वल टू लेमडा थ्री इक्वल टू लेमडा देन क्या करेंगे सी वन

किसके लिए हो गया फोर्थ ऑर्डर बाई क्वालिटी का इक्वेशन अगर आपको मिलता है तो उसमें ऐसे फाइंड करना होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हमने सॉल्यूशन देख लिया कैसे मिल गया सारा बात किसके लिए हो रहा है ऑल द थिंग्स फॉर ओनली रियल रूट्स किसके लिए बात हो रही है रियल रूट्स के लिए बात हो रही है कैसे हम अगर रियल रूट्स हमें मिलते हैं सो हम उसके लिए सॉल्यूशन लिख सकते हैं फॉर डिफरेंशियल

डिस्टिंक्ट है कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे हम बस तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कैसे करेंगे वो देखना तो यहां पर क्या हो जाएगा टू इज प्लस आयोटा बीटा ओके सी टू ए टू दावर लैमडा एल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू एक्स ओके वी कैन फर्दर सॉल्व दिस लाइक दिस वाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन

plus c2 this will be cos of beta x minus iota sine of beta x okay this is the Euler's formula e to the power alpha x now we can take common cos of beta x so cos of beta x is c1 plus c2 okay now from here plus this term and this term we can uh, like uh, sine beta x we can take common so iota c1 minus iota minus iota c2. Ultimately, these are constants, so I can write this is a and this is b, so we will get e to the power alpha x is a cos of beta x plus b sine of beta. एक्स सो दिस विल बी दर्टिकुलर सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स रूट तो अभी हमारे पास में क्या हो गया तीन टाइप के ही रूट हो सकते हैं जनरली तीन वेराइटी हो सकती है कि अगर आपके पास में रियल रूट हो डिस्टिंग हो तो ये वाला फॉर्मेट यूज करना है रियल रूट है इक्वल है तो ये यूज करना है दो है तो ये तीन है तो ये चार है तो ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा कॉम्प्लेक्स रूट अगर आपको मिल रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है ये वाला यूज करना है तो ये यहां पर आपको इसका सोल्यूशन मिल गया ना अब यहां पर एक रिजल्ट हमको मिलता है और वो रिजल्ट है इसके सॉल्यूशन को लेके इसके जनरल सॉल्यूशन को लेके रिजल्ट बिल्कुल सिंपल है हम यहां पर देख सकते हैं कि जब रियल रूट्स की बात हो रही है तो वहां पे एक मोनोटोनिक फंक्शन कैसा हो रहा है मोनोटोनिक फंक्शन कंटेन कर रहा है उसके सॉल्यूशन में उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट इज बेसिकली बेसिकलीर कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन e to the power lambda x cos x sin x are not monotonic these are the periodic function and bounded periodic and bounded first if roots of the auxiliary equation are real equal or different

if the roots are complex first is this second if roots of the auxiliary equation are complex it means like we can say it, it will be it contain the iota form it contain the imaginary part complex form then the solution of होमोजीनियस पार्ट ऑफ दरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट बी पीरियोडिक एंड बाउंडेड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक है क्योंकि साइन और कॉज के टर्म्स यहां पर कंटेन कर रही है बाउंडेड है बिकॉज दीज फंक्शन आर बाउंडेड साइन का जो ग्राफ होता है हमें पता है इस टाइप से होता है ठीक है तो ये क्या कर रहा है प्लस वन एंड माइनस वन के बीच बाउंडेड होता है सेम जो कॉज का ग्राफ होता है वो भी क्या होता है इसके बीच में होता है प्लस वन माइनस वन के बीच बाउंडेड होता है पीरियोडिक होता है रिपीट करता है हर एक इंटरवल में और ए टू पावर का जो ग्राफ होता है ए टू पावर दू दर एम एक्स इट विल बी इट विल नॉट बी द बाउंडेड फंक्शन सो so, ये कैसा होगा दिस इज अनबाउंडेड एंड ये कैसा मिलेगा आपको पीरियोडिक एंड बाउंडेड फंक्शन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट तो ये दो रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमने ये पूरा देखा और हमें पता चल गया किस टाइप से हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं फॉर होमोजीनियस पार्ट ओनली पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में हमने डिस्कस किया है अब बात करते हैं यहां पर इसके क्वेश्चंस के बारे में ताकि आपको पूरा फंडा जो है वो इसी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा विद इन अराउंड वन आवर के इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं ओके सो वी हैव थ्री डिफरेंट क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ क्वेश्चन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डेस प्लस टू जीरो एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रूट Uh, nature of roots or not describe the nature of solution okay so फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इन सभी में क्या है यहाँ पे क्यू एक्स जो है वो जीरो है तो ओनली बात किसके लिए करनी है आपको सी एफ के लिए बात करनी है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए बात करनी है कॉन्स्टेंट कोफिशन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जब भी आपको ऐसा मिलता है तो हमेशा क्या करो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं वाई डबल डैश को किससे डी टू वाई से रिप्लेस करते हैं जनरली ऐसा इसको हम लिख सकते हैं एंड वाई डैश अगर होता है तो उसको डी वाई से लिखते हैं और वाई तो यहाँ पर वाई ही रखना है

सो ऑगिलरीवेशन विल भी एम स्क्स इज इक्वल टू जीरो और वी कैन फाइंड दूट माइनस वन एंड रूट इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा और वी कैन राइट मोर जनरली इट इज जीरो प्लस माइनस वन आयोटा सो हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ पर आई कैन राइट लैमडा वन इज इक्वल्स टू और बेसिकली जब भी ऐसा मिलता है तो सिंपल से आप क्या करो इसको अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से कंपेयर कर लो और ऐसा जब भी सॉल्यूशन मिलता है तो हमेशा इसका सॉल्यूशन क्या होता है ऐसे जब भी रूट्स मिलते हैं तो ए टू पावर अल्फा एक्स यानी कि इमेजनरी पार्ट एंड सी वन यहाँ पर क्या होता है सी टू साइन ऑफ बीटा एक्स एंड अभी हमने बात किया था रूट सॉल्यूशन के नेचर के बारे में तो यहाँ पर देखो अल्फा जो है वो जीरो है इट मीन दिस टर्म विल बी जीरो पावर जीरो एक्स एंड दिस इज सी वन और कॉस ऑफ बीटा का वैल्यू यहां पर कितना वन है सो सी वन कॉस ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा सी टू साइन ऑफ एक्स एंड वी विल गेट द सोल्यूशन विल बी सी वन कॉस ऑफ एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ एक्स हमें क्या कहा है यहां पर सॉल्यूशन का नेचर बताना है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा है यहाँ पर जब भी आपके पास में हमने बात किया था प्योरली इमेजिनरी अगर आपके पास में सॉल्यूशन होता है कंप्लीटली जिसके अंदर रियल पार्ट नहीं होता है यानी कि जिसके अंदर से मोनोटॉनिक दिस मोनोटॉनिक फंक्शन और मोनोटॉनिक अनबाउंडेड फंक्शन जिसमें से हट जाता है तो वहां पर आपको क्या मिलता है ओनली बाउंडेड एंड पीरियोडिक फंक्शन आपको देखने को मिलता है तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा बाउंडेड एंड पीरियोडिक बाउंडेड और पीरियोडिक नेचर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है ये कब होता है जब आपके पास में रियल पार्ट जीरो हो जाता है नेक्स्ट आपको आईवीपी दे रखा है ओके okay, आईवीपी नहीं दिया है क्वेश्चन सॉरी लेट मी चेक okay ivp is इज द वाई जीरो इज इक्वल्स टू जीरो एंड वाई डैश जीरो इज इक्वल्स टू टू ये दो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स दे रखी है इट मींस इनके पॉइंट्स जो है वो कैसे हैं सेम है ओके आपको कह रहा है वाई लॉग टू फाइन कीजिए मतलब पहले में सॉल्यूशन निकालना होगा दिस इज अमोजीनियस इक्वेशन सो आई कैन राइट दिस इज नथिंग बट डी टू प्लस फोर डी प्लस फोर into y is equals to 0 so the auxiliary equation will be m square plus 4 m plus 4 is equals to 0 it is nothing but m plus 2 whole square so m is equals to minus 2 and minus 2 roots are real and equal so the solution y is equals to c 1 a to the sorry c 1 plus 2 roots and c 1 plus c 2 x into a to the power

जीरो हो जाएगा ओके सी वन यहां पर आपको जीरो मिल गया सेम आपको क्या कह रहा है डैश निकालो तो पहले इसका करना पड़ेगा तो हमें क्या करना होगा इसका डिफरेंशिएशन तो वाई इज इक्वल टू वी विल फाइंड द डिफ्रेंशिएशन ओके सो वाई डैश इज बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन हम यहां पर ला के इसको करेंगे बेसिकली हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले चलो ठीक है पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो C1, e to the टू minus 2x plus C2 x e टू the power minus 2x. अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सी वन ए टू दावर माइनस टू एक्स प्लस इसमें यू इन टू भी लगेगा तो एक बार करेंगे एक्स क्या कर देंगे सिंपल तो ए टू दावर माइनस टू एक्स और अब टू को लाएंगे तो माइनस टू सी टू एक्स ए टू दावर माइनस टू एक्स हो जाएगा ना अब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हमें क्या मिल जाएगा देखो ये तो सॉल्यूशन तो आ गया हम क्या कर रहे हैं इसमें बस आई वी पी यूज कर रहे हैं ठीक है इसका वैल्यू इसका वैल्यू कितना है आई वी पी क्या है हमारे पास में वाई जीरो इज इक्व टू टू तो जहां पे एक्स है वहां जीरो रख दो और वाई डैस की जगह पर टू रख दो सॉरी यहाँ वाई डैस है तो वाई डेस की जगह पर टू रख दो तो यहां पर आ जाएगा टू माइनस टू सी वन और बेसिकली सी वन का वैल्यू जीरो है तो हम क्या करेंगे इस टर्म को तो वैसे ही हटा देंगे ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सी टू की बात करना है ना तो सी टू ई टू दी पावर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा माइनस यहाँ से आ जाएगा टू सी टू और इसके साथ में जीरो आ जाएगा और बेसिकली ये भी जीरो टू सी टू तो सी टू तो का वैल्यू ये टर्म पूरा का पूरा जीरो सी टू का वैल्यू आपको टू मिल गया तो बेसिकली हमें सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा यहाँ से वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस दिस विल बी द टू इंटू एक्स ए टू दावर माइनस टू ऑफ एक्स हमें क्या करना है यहाँ से आपको क्या कह रहा है आपको फाइंड करना है लॉग टू का वैल्यू ओके okay, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ ताकि हमारे पास में स्पेस मिल जाए हमें क्या फाइंड करना वी हैव द सॉल्यूशन बेसिकली वाई इज इक्वल टू टू एक्स दावर माइनस टू वीडियो ऑफ टू इज नथिंग बट टू लॉग ऑफ टू एंड दिस विल बी ए टू दावर माइनस टू लॉग ऑफ टू सो दिस विल बी टू लॉग ऑफ टू एंड इसको हम पावर में ले जाएंगे बाई यूजिंग द दॉ प्रॉपर्टी और वो वन आ जाएगा नीचे तो इट विल बी ए टू दावर लॉग ऑफ टू पावर माइनस टू सो इट विल बी टू लॉग टू ई टू दावर वन बाई फोर सो लॉग वन बाई फोर ये नीचे आ जाएगा वन बाई फोर इसको हम क्या कर सकते हैं वन बाई फोर को हम कैसे लिख सकते हैं ये आपके पास में आ जाएगा आ, दिस विल बी